स्टोन्स हैं, स्टोन्स में टकराते टकराते वो मर जाएगा। यहाँ पे अभी जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ था एंड उस बंदे का पूरा मुंह ये सब पूरा छिल छुल गया था। वहाँ नीचे जाने का रास्ता भैया है? यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था उसीलिए नया रोड बना है। ये सब सब लैंडस्लाइड का पत्थर है जो गिरा है ऊपर से। आशीष आप डर लग रहा है, आप सच में डर लग रहा है। Hey guys, welcome to the Bikes Way YouTube channel. This is Shantan Chaudhary again and this is second day and yes, we are in Rishikesh. इस डेस्टिनेशन के बारे में आशीष ने बताया था क्योंकि आशीष के कॉलेज से ये डेस्टिनेशन लगभग कितना दूर है? 45 किलोमीटर। आशीष वॉज डूइंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से। आशीष पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी कम्प्लीट हो चुका है एंड इसको सारे डेस्टिनेशंस के बारे में पता था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया क्यों ना आशीष और मैं दोनों भाई साथ में आके राइड करें यहाँ के लिए और आप लोगों को दिखाए भी, क्योंकि दिल्ली में था तो दिल्ली से आसपास काफ़ी सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और मैं वहाँ नहीं गया हुआ था। तो आप लोगों को आज हम लोग लेके आए हैं। दिस इज ऋषिकेश एंड ये हमारा होटल है। कितने में होटल मिला है भाई बताओ? 400 रुपीज़ में गीज़र के साथ और वाईफाई। अभी हम लोगों ने वाईफाई भी ले लिया, कनेक्ट कर लिया, मतलब चारों फ्लोर पे वाईफाई लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में होटल हम लोगों को मिल चुका है। बजट होटल है, काफ़ी अच्छा रूम है, मतलब मॉडरेट टाइप रूम है। और यहाँ सामने रूम के सामने से ये व्यू दिख रहा है। यहाँ नीचे जस्ट नीचे घाट है, हम लोग नीचे घाट पे भी अभी चलेंगे। अभी हम लोग ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। अभी अनाउंस किया हुआ था आशीष, वाटर लेवल अप जा रहा था। वाटर लेवल अप जा रहा है तो अनाउंस हो जाता है कि वाटर लेवल, हम लोग पानी का फाटक उठा रहे हैं। आप लोग सब जितने भी हैं तट से साइड हो जाएं, खतरा हो सकता है जान को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बूम बूम। ओ भाई आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। भाई हाथ में तो मोच आ जाएगा। सही है यार। सो दिस इज आवर रूम। यहाँ लैपटॉप पे काम चल रहा है। ये कंबल दिया, बड़ा सा सुंदर सा कंबल, बहुत गर्म कंबल था ना आशीष। रात में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा। और ये वॉशरूम है तो कोई दिक्कत है नहीं, गीजर भी लगा हुआ है। 400 में क्या लगेगा? ये हॉस्टल टाइप के और मिल जाते हैं, और भी मिल जाते हैं, मतलब 200। हम लोगों ने सुना है कि 200 रुपए में भी मिल जाता है रूम तक, 300 में रूम। ऊपर वाले में देखा ही होगा, ऊपर हाँ ऊपर फॉरेनर्स लोग रह रहे हैं। अमेजिंग व्यू है भैया, धूप भी है काफी अच्छी। हम लोग धूप सेकने यहाँ पे आए हैं। आशीष यार मन ट्रिप हो गया। बोला था ना मैं। वाओ। अच्छा ये पानी आ कहाँ से रहा, इतना ब्लू वाटर? ये गंगोत्री से। गंगोत्री से ना, देवप्रयाग वगैरह होते हुए आती है वाटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इस पानी में ना आपको लग रहा होगा कि करंट नहीं है, अगर एक बंदा इसमें चला गया ना बस वो पूरा सीधा चला जाएगा अंदर, वो बचेगा नहीं। फिर काफी सारे हाँ स्टोन्स हैं, स्टोन्स में टकराते वो मर जाएगा। So let's start the day with adventure and here's the view. अभी हम लोग कहीं बढ़िया सा खाना खाने जाएंगे। खाना खा के आ रहे हैं इधर। ऋषिकेश की गलियों में हम लोग, कई सारे कैफेज हैं यहाँ पे, अच्छा खाना ढूंढने हम लोग निकले हैं, एक्सप्लोर भी करेंगे। पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज दुकाटी स्क्रैम्बलर, देखा? ओ भाई साहब यहाँ ABS ऑफ करके चलना होगा, मुझे लग रहा है संभल के चलना होगा। ये चढ़ेगी कैसे बाइक? चढ़ तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह भाई ये देखो यार, ये क्या है? क्या एक और क्या था भाई? पहली बार देखे ऐसे, हमको तो डर हो गया, मतलब कौन है? लेफ्ट
is we are again going on Ram Jhula. Oh my goodness, भगवान बचा लेना बच्चों, चलो बच्चों, बहुत चौड़ी बाइक है यार, ये तो दिक्कत होने वाली है भाई साहब। ओह अब डर लग रहा है आशीष, अब डर लग रहा है, अब सच में डर लग रहा है। रात में पता नहीं चला था, रात में पता नहीं चल पाया था। वाओ ओह भाई, भीड़ भी है इसे तो बहुत चैलेंजिंग है। अरे यार काफी सारे टूरिस्ट नीचे रिवर राफ्टिंग वाले बोट जा रहे हैं। ओ मुन्ना क्या हाल है मुन्ना ये दोनों साइड को कनेक्ट कर दिया है, सोच रहे हो कितना इजी हो गया ना, दोनों साइड मार्केट हो गया है, दोनों साइड के लोग घर बना पाए इधर भी उधर भी, वरना एक साइडेड हो जाता है ये। अभी जस्ट हम लोगों ने लंच कर लिया है, वापस से ऋषिकेश के अंदर जहाँ पे पूरा राम झूला लक्ष्मण झूला है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अंदर वाले जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाइक हो सकता है हम लोग मे भी कहीं पार्क कर दें, उसके बाद हम लोग घूमना शुरू करें। ऋषिकेश में तो बहुत बड़ा मार्केट है, दार्जिलिंग वगैरह में जितना बड़ा मार्केट है ना उससे बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। जरूरत की सारी चीजें, जरूरत नहीं मतलब लाइफस्टाइल की सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिलते हैं, ये देखिए सामने बाइक रेंटल। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ऋषिकेश से जो सामने श्रीनगर के लिए रूट गई है, हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर वो जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, बद्रीनाथ श्रीनगर। वाओ रोड्स आर ऑसम, अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्या रास्ते हैं यार, मजा ही सा आ गया। अपार्टमेंट यहाँ पे पहाड़ों पे, वाओ लग्जरी अपार्टमेंट्स, गंगा वाटिका रिट्रीट। ओ हम लोग काफी हाइट पे जा रहे हैं, अभी कान धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ है बस धीरे धीरे जैसे और ऊपर जाएंगे 2-4 हज़ार फीट वैसे ही हम लोगों का कान बंद हो जाएगा। हम लोग एक व्यू पॉइंट खोज रहे हैं, यहाँ के ड्राइवर्स जो भी होते हैं या राइडर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं लीनिंग में और उनको काफ़ी आइडिया होता है, हम लोग नए हैं तो अगर आप लोग भी इधर आ रहे हो नए हो तो प्लीज़ मतलब धीरे चलाना। पहाड़ों पर आने के बाद लगता है कि हर एक मंज़र आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊँ। बद्रीनाथ 291 किलोमीटर्स, केदारनाथ यहाँ से 223 किलोमीटर्स। हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश से लगभग 5 किलोमीटर बाहर और यहाँ से नीचे नज़ारा दिख रहा है ऋषिकेश का, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लैंडस्लाइड में जो गिरता है? हाँ लैंडस्लाइड वाला है, आराम से देख के पार करना आशीष। हाँ लुक ये नज़ारा, यहाँ से गंगा जी उतर रही हैं और यहाँ सामने नीचे ऋषिकेश हरिद्वार की ओर जा रही हैं, वहाँ रिवर्स छोटे छोटे रिवर राफ्टिंग वाले बोट दिख रहे होंगे, ये जन्नत से कम नहीं है। इस बड़े से पहाड़ के सामने हमारी बाइक कितनी छोटी लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है वो तो देखो। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था उसी लिए नया रोड बना है, ये सब लैंडस्लाइड का पत्थर है जो गिरा है ऊपर से। बारिश के दिनों में तो हमेशा से होता है, आराम से रोड देख के भाई, राइट तुम लेफ्ट हम देखते हैं, आ जाओ। वाओ यहाँ से गंगा जी आ रही हैं एंड ये व्यू देखते ही हम लोग रोक दिए गाड़ी कि नहीं ये व्यू तो देखना है, रियली अमेजिंग। रिवर राफ्टिंग की कई सारी बोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। वहाँ नीचे जाने का रास्ता भैया है, नीचे से जाना है ना,
जो ऊपर से व्यू दिखता है ना वो नीचे से नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने ऊपर आपको लाके दिखाया। यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं गोलगप्पे के एंड नारियल पानी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अभी जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ था एंड उस बंदे का पूरा मुंह ये सब पूरा छिल छुल गया था, और उस बंदे ने हेलमेट भी लगाया, हेलमेट का बेल्ट भी लगाया था। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हो पहाड़ पे तो आशीष क्या करना चाहिए, हमेशा फुल फेस हेलमेट यूज करना चाहिए। फुल फेस हेलमेट पूरा प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए आशीष लेके आया था हाफ फेस हेलमेट। मैंने मना किया और हम लोगों ने सचिन भाई का हेलमेट लिया, कार में पड़ी हुई थी हेलमेट, फुल फेस हेलमेट लिया और उसके बाद आए, क्योंकि फुल फेस तो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, आपके चिन को भी प्रोटेक्ट करता है। हर एक बंदा राइडर लगता है ना, क्योंकि उन लोगों को पता है आप जैसे ही पहाड़ पे आओगे आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार यहाँ जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस काफी ज्यादा लिए जा रहे हैं। टाइम टू से अलविदा, इस स्पॉट को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। चलो आराम से भाई, मेरे पीछे गाड़ियां देख के शाम के हो रहे 5:15। हम लोग वापस से ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, ज्यादा संभल के जाना होगा। अगेन इसमें तो डेली आऊं, वो लक्ष्मण झूला है वहां पे पैदल जाना है। हम लोग वहां दूर खड़े थे, यहाँ के लोग तो काफी स्पीडली चलाते हैं बाइक, हम लोगों से नहीं हो पाएगा इतना स्पीड। घाट पे आरती हो रही है, अभी हम लोगों को जल्दी से वहाँ जाना है क्योंकि वो इवेंट बहुत स्पेशल है, उसको कवर करना जरूरी है। हम लोग पहुँच चुके हैं आरती वाले जगह पे, क्या नजारा है यार। टुडे इज लोहड़ी एंड यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, एज यू कैन सी। जय 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 लोहड़ी मैया की, जय लोहड़ी मैया की, जय दुर्गे मैया की, जय। सेलिब्रेटिंग लोहड़ी इन उत्तराखंड ऋषिकेश। वी आर ऑन लक्ष्मण झूला एंड यहाँ पे मुझे कुछ मिले हैं, गिटारिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा गिटार बजा रहे थे। इनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप लोगों के लिए एक बार छोटा सा एक कुछ भी गाएं और आप लोगों को सुनाएं। सर प्लीज़
वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग, मतलब दिल छू गया, बहुत अच्छा गाया। सर के चैनल का लिंक मैं अभी, सर का चैनल भी बना रहा हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, तो चैनल होना जरूरी है, आप लोग प्लीज जाके। यस, और गाना भी गाया इन्होंने, एक लिंक भी छोड़ूंगा मैं, वो भी सुनना आप लोग। और इनका चैनल जो अभी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी अभी लो हो रही है कैमरा की, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता हूँ व्लॉग, आप लोगों को लिंक नीचे भी छोड़ दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना। मेरा यूट्यूब हाँ, प्लीज़ कहिए ना। मेरा विनोद सिंह राणा के नाम, विनोद सिंह राणा, सर का भी लिंक डालूंगा, आप लोग जाके सर को प्यार देना।